नरकटियागंज के शिकारपुर थाना के धोभा गांव निवासी होमगार्ड जवान रामलगन शर्मा के पुत्र आशीष कुमार की हत्या मामले का पुलिस ने अब उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सतवरिया गांव निवासी पृथ्वी कुमार पटेल और मनुआपुल थाना के लपटी कुर्नी टोला वार्ड 14 निवासी अभय कुमार को पकड़ा है। गिरफ्तार दोनों आपस में जीजा और साला है और दोनों ने पुलिस के समक्ष हत्या की गुनाह स्वीकार कर ली है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की है। एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि एसडीपीओ ने बताया कि 5 फरवरी को अपनी चचेरी बहनों को एग्जाम दिलाने के आशीष को उसके दोस्त पृथ्वी और अभय बाइक पर बैठा कर साथ ही ले गए। वहां पर तीनों नाश्ता किया और फिर मनुआ पुल में मछली बनवाया और गाँव के ही सरेह में शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान पृथ्वी ने आशीष की गर्लफ्रेंड की फोटो पर गलत से कमेंट कर दिया, जिसको लेकर दोनों में मारपीट हुई। गुस्से में आकर पृथ्वी ने आशीष की गला रेत दिया। हत्या करने के बाद पृथ्वी अपने बहनोई अभय की बाइक रामगढ़वा गया। दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली है। दोनों लोग पृथ्वी और आशीष खा पी रहे थे। कुछ समय के लिए अभय कुमार वहां से गायब थे, बाद में फिर अभय कुमार भी आ गए। इसी क्रम में पृथ्वी कुमार पटेल और आशीष में कुछ बातों को लेकर के बकझक हुई और आशीष कुमार उनको मारा। यही घटना है। प्रेम प्रसंग वाला भी मामला है जैसे? नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। जैसा कि पृथ्वी कुमार पटेल बता रहे हैं कि आशीष के मोबाइल में उनके किसी गर्लफ्रेंड का फोटो था, उस पर हम कमेंट किए और उसी कमेंट के चलते वो हमको पहले मार दिया। दोनों आदमी नशे में थे और इसी क्रम में ये घटना घट गई। हथियार भी जब्त हुआ है? नहीं, जो आशीष का मोबाइल है और चाकू जिसे गला काटे हैं, गांजा काटने के लिए चाकू रखते हैं हमेशा साथ में, वो दोनों को रामगढ़वा ले जा करके एक तालाब में, बड़े तालाब में ही फेंक दिए। 7 तारीख को फेंके हैं संजोग से। तो हम लोग प्रयास किए बरामद करने का, लेकिन तालाब बहुत बड़ा है, संभव नहीं हो सका। मामले में केवल 2 ही लोग हैं कि और लोग? नहीं, 2 ही लोग। भाई तो आप पीछे कीजिए, मैं एकदम आ गया, अब जूम करो। ठीक है, हम ही हो जाते हैं नजदीक। चलिए, ओके। 5/2/2024 को आशीष कुमार धोबहा के अपने 2 बहन का एग्जामिनेशन निकालने के लिए रेलवे हाई स्कूल पांडे टोला में आए थे। वहां पर वे अपने बाइक को खड़ा किए और बाइक खड़ा करने के बाद वो गुम हो गए। परिजन आए और बताए कि एग्जामिनेशन देने आए थे, अभी तक से घर नहीं लौटे। एक FIR किया गया 363 में और हम लोग कांड के उद्भेदन के लिए लोकल इनपुट, CCTV फुटेज और जो टेक्निकल अनुसंधान है, तकनीकी अनुसंधान है, उसका सहारा लिए हम। तो लोकल इनपुट, CCTV फुटेज, तकनीकी अनुसंधान से कुछ हम लोगों को बैकअप मिला। तो पहले हम लोग को एक मोटरसाइकिल का नंबर मिला, BR22AX2110, जिससे आशीष कुमार को जाते हुए देखा गया था। फिर हम लोग तकनीकी अनुसंधान किए तो ये बात आया कि पृथ्वी कुमार पटेल जो सतवरिया के रहने वाले हैं और अभय कुमार लपटही कुर्मी टोला के रहने वाले हैं, इन्हीं लोगों के साथ वो मोटरसाइकिल से गए थे। और जो BR22X2110 मोटरसाइकिल है वो अभय कुमार के संबंधी के नाम से है और अभय कुमार अभी इसका उपयोग कर रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में ये लोग अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं और बताए लोग हैं पृथ्वी कुमार पटेल जो मुख्य अभियुक्त हैं कि आशीष से इनकी दोस्ती कुछ दिन पहले हुई थी, एक दोस्त के माध्यम से। ये चले गए थे पंजाब कमाने के लिए, पंजाब से लौटे हैं तो आशीष कुमार को ही उस दिन फ़ोन किए, आशीष इनको बुलाए और आशीष के बुलाने पर ही आए
हाई स्कूल, वहाँ से आशीष को लेकर के लोग निकला, और निकला लोग बेसिकली कि हम लोग कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ये लोग गए हैं साठी में, साठी में जाके कुछ मद्यपान वगैरह किए हैं लोग। फिर इसके बाद ये लोग चले गए हैं बेतिया, और वहाँ जाके मछली उछली भुजवाए हैं, और फिर एक सरेह में जहाँ डेड बॉडी मिला है वहीं पर बैठ के दोनों लोग पृथ्वी और आशीष खा पी रहे थे। कुछ समय के लिए अभय कुमार वहाँ से गायब थे, बाद में फिर अभय कुमार भी आ गए। इसी क्रम में पृथ्वी कुमार पटेल और आशीष में कुछ बातों को लेकर के बगझक हुई और आशीष कुमार उनको मार, यही घटना है। प्रेम प्रसंग वाला मामला है जैसे? नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। जैसा कि पृथ्वी कुमार पटेल बता रहे हैं कि आशीष के मोबाइल में उनके किसी गर्लफ्रेंड का फोटो था, उस पर हम कमेंट किए और उसी कमेंट के चलते वो हमको पहले मार दिया। दोनों आदमी नशे में थे और इसी क्रम में ये घटना घट गई। हथियार भी जब्त किया गया? नहीं, जो आशीष का मोबाइल है और चाकू जिससे गला काटे हैं, गांजा काटने के लिए चाकू रखते हैं हमेशा साथ में, वो दोनों को रामगढ़वा ले जा करके एक तालाब में, बड़े तालाब में ही फेंक दिए। 7 तारीख को फेंके हैं संजोग से। तो हम लोग प्रयास किए बरामद करने का, लेकिन तालाब बहुत बड़ा है, संभव नहीं हो सका। मामले में केवल दो ही लोग हैं कि और लोग? नहीं, दो ही लोग हैं।